इस तरह आपकी कुत्ते वाली आदत हुई है और आपको इतनी कुत्तों की तरह मारा है लोगों ने और आपको लाते हैं और सोचते ये आपके साथ ज्यादती जो हुई है। जब वो मुक्का मार रही थी तो मैंने अपने मुंह से रोका है वो, क्योंकि आप तो एक राइटर है ना, तो आपको फील तो पूरा पता होगा, हमने अपने स्क्रीन प्ले लिखा होगा, तो मुझे बात करने दें आप। रात के 2:30-3 बजे मुझे मैसेज आया। बजा कैसे वो? मेरे पास करोड़ रुपए नहीं, कह रहे डायलॉग सुना, कह रहे किसी दोस्त से मंगाओ। मैंने अपने दोस्त को कॉल की, मेरे पास 10 लाख रुपए चाहिए। दोस्त था मेरा और यह, उसने तो मुझे पता है कौन मंगा रहा है। अच्छा, वो ऑलरेडी दे चुका। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद बट, और आज एक्सक्लूसिव की हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े वाकये में। इस मुल्क का सबसे बड़ा राइटर, मुल्क में सबसे बड़ी आवाज़ खवातीन के हक में मोस्टली इनकी आवाज़ होती है, मैं खलील रहमान कमर साहब की बात कर रहा हूँ। जिस किस्म से इन साहब हुए, इनको जलील किया गया, उनको उठाया गया, इनके साथ बड़ा ख़तरनाक वाक़ हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बड़ा कुत्तों की तरह इनको मारा, विच इज़ वेरी बैड। एंड हम लोगों को तो बड़ा अफसोस हुआ कि खलील साहब को इतनी कुत्तों की तरह मार पड़ी, लेकिन नहीं पड़नी चाहिए, किसी को भी मार पड़नी चाहिए, अब हम उसके बिल्कुल हक में नहीं है। एक्सक्लूसिवली इन्होंने हमसे बात की है और हमें बताएंगे असल वाक़े में। अब तक सारे यूट्यूबर्स और वो स्पेकुलेशन टाइप माहौल है, लेकिन खलील साहब थैंक यू, आपने इस तरह जो आपकी कुत्ते वाली आदत हुई है और आपको इतनी कुत्तों की तरह मारा है लोगों ने और आपको लाते हैं और सोचते ये आपके साथ ज्यादती जो हुई है वो के बारे में प्लीज़ कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वो तो बहुत भला हुआ कि मेरे उनके सारे वार से, जब वो मुक्का मार रही थी तो मैंने अपने मुंह से रोका है वो। अच्छा, ज़ालिम बहुत जुल्म किया है, जब उसने फ्लाइंग किक मारी है। अच्छा, फ्लाइंग किक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में आया, आँख आगे कर दो। अच्छा, मैंने वो आँख से रोकी, क्योंकि आप तो एक राइटर है ना, तो आपको फील तो पूरा पता होगा, हमने अपने स्क्रीन प्ले लिखा होगा, मुझे बात करने दें आप। अफसोस मुझे इस बात पर है कि जिस आदमी पे मकालमे उतरते थे उसके कपड़े उतारे गए, जुल्म है सर, ज्यादती है। और ये जो आप कर रहे हो कि आपने बोला कि डॉगी की तरह मारा है और ये वो, मुझे उस दिन एहसास हुआ कि हम ये जो पत्थर मारते रहते हैं कुत्तों एन मौके पे, अच्छी बात नहीं है। उस बेचारे को बहुत बुरा लगता होगा, मुझे ये एहसास हुआ कि मैं नहीं, मैं ऐसी जगह पे पहुंच गया था, मुझे एहसास हुआ कि ये जो बसों के अड्डों पे लोग इसको मारते हैं, जब गेट लग जाती है, लॉक नहीं लगा हुआ था मतलब कोई गेट पे कि बंदे घुस के आपको कुत्तों की तरह मारा, मेरे जख्मों पर नमक पत छिड़को। अच्छा, इसको मैं बता, हम उसको तरीके से होता कि ऑडियंस को पता लग जाए, क्योंकि कहानी हमने बतानी है। मैंने उसको सीक्वेंस वाइज किया हुआ है कि अभी आपके दोबारा व्हाट्सएप, आप इससे बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ना इन चक्करों में बड़ी तस्वीरें लगाई होती इन्होंने गलत। अच्छा, और ये कहानी गलत करते हैं अक्सर, मुझे भी इमरान खान की तस्वीर लगाई। मैंने तो उस दिन तकरीबन एक हफ्ता एक खातून से बात की, मुझे जवाब भी दे रही है। बाद में मेरे बेटे ने बताया अब ये सीरी है। अच्छा, आपकी भी हमारी सीरी भी करती है। लेकिन सर ये खाली साहब ये कौन लोग थे, पूरी कहानी अगर हम सुने, कौन लोग थे वो? ये बहुत बड़ा गैंग था, एक गैंग था, एक बहुत बड़ा। अच्छा, ज्यादा लोग थे। मैं रात को बैठता हूँ तो मुझे एक खास कैफियत होती है, तो मैं लिखता ड्रामे और डायलॉग्स दो टके। रात के 2:30-3 बजे मुझे मैसेज आया। बजा कैसे वो? अच्छा, ऐसी आवाज है। अच्छा, ऐसी आवाज है। मतलब आपने टोन ऐसी लगाई, मैंने कहा मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लिख रहे हो और स्क्रीन प्ले के साथ बताते हैं ना बातें। ये हुआ तो मैं अभी डायलॉग लिख रहा था, हमारी 15 दिन से कोई कोऑर्डिनेशन चल रही थी। अच्छा, ऑलरेडी जी टॉप विद सम, मैंने उनको 3-4 नाम भी सजेस्ट किए थे पोजीशंस के, नहीं जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था। अच्छा, एक फिल्म बना रही थी नाम 3-4 थे उस पर फाइनल हुए। एक ये था, दूसरा ये था कि कोई अफ्रीकी मेहमान के नाम से मेहमान, ये 3-4 हमारे नाम फाइनल हो रहे थे। तो आप तो मलिक रियाज कुछ बना? नहीं नहीं, अच्छा वो लोग रहते वहाँ। अच्छा ठीक, जो कहानी थी खातून ने मुझे और बोला आपको पता है 2:30 बजे क्या मैसेज है, आपने सारे काम कर लिए, टीवी भी देख लिया, सारा कुछ कर लिया, तो ख्वारी हो रही होती है, एक खास ख्वारी का टाइम होता है। नथिंग टू डू, पौने 3 बजे
के करीब सॉरी मतलब मैं उनसे बात रोज जाता हूँ मतलब उस वक्त बंदा इज नथिंग टू डू बेसिकली इधर तो पौने तीन बजे के टाइम जब ये ख्वारी चढ़ी बारिश जड़ी आई बारिश तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि खलीले उठ और कुछ गेम चालू कर आमद तो मेरे मैसेज आया हुआ था उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो अरे मैसेज अजीब सा होता है ना क्या कर रहे हो इसमें फिर आपके ना जवाब मुख्तलिफ होते हैं मैं तो ये कर रहा हूँ ना आ रहा हूँ इस तरह की बात नहीं मैंने तो मैसेज का जवाब मैंने डायरेक्ट तस्वीर भाई हाँ कि क्या कर रहे हो करते रहेगा जो होगा देखा जाएगा अच्छा ये कि व्हाटएवर यू डूइंग क्या हो से आई एम डूइंग क्या उन्होंने भी वही देखना है जो मैंने पहले मैसेज हाँ तो क्या कर रहे हो तो इससे लफ्ज पता चल जाती है कि मामलात क्या है ठीक है उन्होंने कहा कि कम ओवर हेयर ASAP यानी कि इंतहाबित मामला मैं उस दिन सच बताऊं कि जैसे आपने सुना होगा कि उस प्याले में तो जहर था ही नहीं वरना सुकरात कब का मर चुका होता ऐसी तो ये खलील नहीं गया था ये गई थी उसकी मतलब जो प्याला ख्वारी ख्वारी उसकी जो है उसको ले गई किस्मत यानी हाँ गोली मैंने खाई हुई थी जलालत ले गई गोली मैंने खाई हुई थी अच्छा गोली खाते हैं हाँ असल में मेरे मसल स्पैज़म का सीन है तो मसल मसल खुल नहीं रहा उस चक्कर मसल अकड़ जाए तो उसके लिए मैं अच्छा और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं सारी मेरे अंदर जो तकबर और गुरूर आप लोग कहते हो क्वेश्चन मेरी हर चीज़ 24 घंटे अकड़ी रहती है हाँ आपकी सोच और आपकी एक है वो ऐसी है दस किस्म की मैंने उस दिन सोच लिया कि खलील आज तू नहीं कोई और आज तू उसकी सुन तो मैंने फिर उसका सुनना शुरू किया नहीं खातून की सुन नहीं अच्छा अपनी मैं किसी गैर को क्यों सुन ओहो मैंने अपने की सुनना शुरू की हाँ जी जी सर अपने आम से मतलब सॉरी मैंने माफ कीजिएगा मैंने अपने की सुननी शुरू की कि तू जहाँ जाता है मैं तेरे साथ हूँ लगा हुआ हूँ बस जा रिस्क मेरा मतलब है रिस्क आपको कहीं भी यार मैंने कहा तू जहाँ जिस खुबे में जाना चाहता है जहाँ जाता है तू चल मैं तेरे साथ हूँ मैं बेहोश होके ही उठा हूँ मैंने कहा आज तू रास्ता भी तू बताएगा आपने सॉरी आपको तो पता है कि लाहौर में लोग वैसे ही रास्ता गलत बताते हाँ हमारे वहाँ तो ये गूगल मैप भी गलत रास्ता जानबूझ पायन ऐ जरा गोल चक्कर है तुम लेफ्ट ले लो मैंने कहा आज मैंने किसी की नहीं सुननी उसी की सुननी तो मैं अपने उसके साथ जब निकला हूँ अपने मतलब एक गुरूर या तकबर या अपनी एतबारी अपनी सारी चीज़ों के साथ निकला हूँ वाह वाह तो मैंने कहा भाई अब तो सीधा तू जा मैं तेरे साथ हमने रास्ते में सिग्नल क्रॉस किए मैंने उस दिन अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया मुझे लगा मेरे साथ एक फर्द है सर टाइम क्या हो रहा था सॉरी टाइम की बात टाइम वही ख्वारी का पौने तीन निकलते निकलते कर रहे निकल निकलते निकलने में टाइम जाओ लेकिन कितना टाइम है पौने तीन टाइम ठीक है ये वो कहानी पूरी आप जा रहे हैं बारिश हो रही है मॉल है आप रोड अच्छा वो टाइम भी ऐसा होता है मैं बोलूँ आप छुपकनी को भी देखो ना तो आपको कि यार ये सब सो रहे तू क्यों हो कि जाग रही भाई जा अपने गेम कर तू चीज किसने रोका ठीक है ये वही कहना है तो आप यू वाना कंटिन्यू जी फिर मैं वहाँ से निकला हूँ और मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ ठीक है तो हम दोनों गए बैरियर टाउन जब हम पहुँचे अंदाजा लगाओ इतना दूर है बैरियर टाउन बहुत दूर है लाहौर में भी दूर हाँ मैंने कहा कि रुकना नहीं है वो रुके मैं सीधा बैरियर टाउन में जो फ्लैट उन्होंने बताया था उधर जाके टन खड़ा हो गया मैं खड़ा हो गया अच्छा पहले खड़ा हो गया फ्लैट के नीचे अगर मैंने वहां से उनको कहा कि डांस एक्सक्यूज मी आई एम हियर हाँ वॉइस नोट वेयर आर यू ब्यूटीफुल अच्छा उसने कहा सीधे ऊपर आ जाओ सीधे ही था मैं सीधा ऊपर गया हूँ मैं खड़ा रहा हूँ बेल बजी है मैंने नहीं बजाई मैं तो अच्छा मैं बज गई आई कैन मैं हाथ नहीं लगाता इस नापाक चीज में मैं बैल बजी जी जी ठीक है मैं अंदर चला गया ठीक है क्या मॉल था अंदर अंदर ऐसा मॉल खालिद हाँ नाइट वाइट
आई कैन नॉट, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ऐसा फिल्मी राइटर है, आपको वही लगा होगा ना इन कैमरा जो बहुत एक हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। हाँ हाँ, और बिल्कुल एक जो एक शैंडलियर लगा हुआ था, हाँ उसकी लाइटें जल रही थी, चन 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 हो रही है, और एक सुकूनत का माहौल था। ओह वाह, आइडियल, पूरा आइडियल माहौल बना हुआ था कि सिर्फ बात नहीं करनी ये भी बात नहीं करनी लगाते अपने काम, हाँ बात नहीं करनी वाला माहौल था। ठीक है, मैं उधर गया तो मैंने माँ जाके अर्ज की कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ये मैं अपने अतराफ में लोगों को पूछता रहता हूँ कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो नहीं, यू लव मी, हाँ उन्होंने कहा बिल्कुल करते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे होश नहीं रहा खालिद। अच्छा, ये आएंगे कितने लोग थे इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर फॉर एग्जांपल पुलिस को आपने जैसा डिस्क्राइब किया कि पुलिस को बताना पड़े कि यहाँ तक तो आपने हमें बता दिया पहुँचे कैसे ना, अब तो वाक्य पे आएंगे वो भी आप बता दिए क्या हुआ, लेकिन आपने पुलिस को बताना पड़े कि जी मिसाल वो खातून उस वक्त क्या थी, वो अकेली थी नहीं थी, वो किस में मिल रही थी, कुछ मुकम्मल खाका खींचे अंदर से। अगर तुम मुझे खाका खींचने का कहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हिरनी जैसी आंखें, ओके, और रेशम जैसे बाल, ठीक है, अहमद बट के कूलों वाले गाल, कूल से यानी कि कूल गाल, ठीक है, अच्छा अहमद अली बट के, ओके, लड़ा सुना उड़ने वाली मूछे थी इसकी, अच्छा गर्दन जैसी सुराईदार थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है, और कानों पे उसके, कानों पे उसके ये PTM जो है आपकी मूवमेंट है, इस पर जो सीनियर लोग हैं उनके जो कानों पे बाल निकले ऐसे बाल थे, ठीक है, और सर हाथ, हाथ सख्त हाथ, बांसुरी बजाने वाले हाथ, अरे इनके नाक से देखी वाले हाथ है, हालांकि अदनान और हुमायूं ने मुझे मना भी किया वो कि इस तरह अकेले मत जाया करो, बांसुरी भी जाने वो जो सर फेम से, हाँ तो वो उन्होंने मुझे मना, लेकिन मैंने फिर अब जब मैं रास्ते में, मैं एक बात आपको और FIR में भी नहीं बता पाया, मैंने सारी मूछें कैसे थी, मैंने ओरियो मकबूल को फ़ोन किया, अच्छा ओरियो को, मैंने कहा ओरियो शेख, हाँ प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, ओरियो मकबूल साहब, मैंने कहा ये सीन है, उसने कहा जाओ होकर आया हूँ कुछ नहीं होता, क्या बोला सर, उन्होंने तो FIR नहीं कटवाई, नहीं नहीं ओरियो ने कहा कि आप लाजमी जाओ कुछ नहीं होगा, आप होकर आओ, अच्छा हिम्मत पकड़ो, हिम्मत पकड़ो, और नहीं अभी ये नहीं के वो तो उन्होंने मुझसे दो तीन लोगों के नंबर लिए, मेरे ख्याल में कुछ नहीं कुछ नहीं हफ्ते बाद हो रही है कि भी FIR मिल दरियाम पर आ जाएगा, ठीक है, तीन चार तो गेर के मारा है, दुश्मन ने गेर के मारा है, अहमद अली भट्ट जैसा है वैस्क, एज अहमद अली भट्ट जी, और ऐसे गाल थे उनके, और उसकी उंगली अदनान सिद्दीकी वाली थी, बांसुरी वाली उंगलियां, मूछें वहां सईद वाली थी, जैसे उनके ऊपर जाके जब मिक्स हुआ है ना, ओ माय गॉड, जब उन्होंने अचानक से हमला किया मुझ पे, मुझे ऐसा लगा कि लंडा बाजार ड्रामा शुरू हो गया, अच्छा, और उन्होंने चुन चुन के मेरे उन उन जगहों पे मारा है कि जहाँ मारो थोड़ा कम लेकिन असर ज्यादा होता, तो हम दोनों में बेसुध पड़े हुए थे, लेकिन आपने मूछे मूछे खरीद साहब, ये तो मतलब वो तो वो लोग थे जिनको इन्होंने बुलाया, मेरी जब तक तो लड़की थी ना, जब तक आप थे तो बाद में आए लोग, आई डोंट नो हाउ कैन आई से कि वो लड़की थी, क्योंकि मैंने तो उसको कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था, नहीं लेकिन आप कह रहे हैं कि लड़की थी, पिज्जा आया और वो जब अरे वो तो अंधेरा था तो मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा अभी थोड़ा माहौल बनेगा, हम बैठे हुए थे, मैंने सिगरेट जला ली, ठीक है, उसने कहा ये क्या कर रहे हो खलील, मैंने कहा सिगरेट पी रहा हूँ, उसने कहा पक्का पियो, मैं पक्का भी बना के लेके गया हुआ था, कि ये लेके स्ट्रॉन्ग एवरीथिंग जी, वो सारा कुछ था मामला, वो आपने किससे लेके गए थे, ये आप हमारी पार्टी में सबके पास है तकरीबन, ठीक है, चिट्टा वट्टा सब ठीक है, अप टू डेट हो गए, ठीक है, जब मैं गया हूँ चिट्टे गोरे, हाँ तो बेल बजी है, तो जब मैं डर गया, जब तक आप बैठे में ना, मैं बेल बजी है, मैंने जंप मारी, मैं सोफे के पीछे उस वक्त तो बैठ गया हूँ, मैंने कहा शायद पेरेंट्स आ गए, इसलिए कहा नहीं मैं कहना मॉल में तो आप बैठे हुए थे, बैठ गए, जी बैठ, नहीं मैं बैठा हुआ था सिर्फ, अच्छा मतलब हम दोनों में से मैं बैठा हुआ था, ठीक है, वो इश्यू इज देयर, ठीक है, हम दोनों ठीक है, तो बेल बजी, मैंने कहा पिज्जा मंगाया, इस पर टाइम लग जाएगा,
राइटिंग आप ये जो ड्रामा लिख रहे थे एज यू सेड तो पूरे नहीं हो सकता पिज्जा ब्रो लगेंगे बाद में, क्योंकि मैं सीन जो बना रहा था उसके अंदर डायलॉग नहीं था। अच्छा खामोश खामोश उसके अंदर खाने की चप चप ये सारी चीजें आवाजें थी नहीं और टाइम का अलग ज्या है क्योंकि सुबह होने वाली थी। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि धूप में न निकला करो है रूप की रानी। अच्छा मेरा एक बहुत बड़ा इशू है मैं आपको। अच्छा कितने साल के लिए? नहीं मुझे डॉक्टर ने मना किया, वो एक्चुअली वन विंडो ऑपरेशन है। डॉक्टर हकीम डलो है वो। हाँ। और उसने मुझे कहा हुआ कि आपका वाइटामिन कुछ ज्यादा हो गया है, लीक कर रहा है वो। ये वो जो लीक कर रहा है वो वाइटामिन भी लग रहा है, वाइटामिन डी है। अच्छा, इसलिए देखो वाइटामिन डी अगर आप में कमी है तो आप धूप में निकलो, लीक का मेरे पास ज्यादा है। हाँ। तो मुझे उसने कहा है कि आपके पास ज्यादा, आप लोगों की हेल्प करो, डोनेट करो उनको जाके उनको कहा है कि आप वाइटामिन डी उनको भरो जाके दो उनको जाके, यानी कि मैं कंटेनर की तरह हूँ, कंटेन किया हुआ मैंने बहुत कुछ। अच्छा मैं तो आप और रात को निकल। हाँ तो वो उसने मुझे दो तीन किस्म की गोलियां दी थी, मैं सर दर्द की अलग दी थी, धूप की अलग दी थी, भूख की अलग दी थी, आपकी भूख बंदर की भूख की अलग दी थी, वो मिक्स हो गई। हाँ बस उसने ये था कि जो भूख की गोली है वो आपने पानी से करनी है, जो अंदर की भूख की है वो दूध की बात करनी है करो। तो मैंने दराज में मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं लिख रहा था, मैंने दराज खोला है, मैंने ये निकाला है तो वो गोली जो डॉक्टर ने मुझे दी थी वो शायद मिक्स हो गई। तो वो मैंने जब ले रहा था तो मुझे अजीब से टच होती हुई मेरे पास जब पहुंची, ऊपर से गर्म गर्म दूध उसमें छुआरे मिले हुए छोटी मक्खी का शहद आपको पता है बड़े बड़े काम करवाता है। वो सब आपने किया और हमने दवाई खा ली करके बैटमैन की तरह ना, दवाई वो दवाई आप खाओ तो या तो आप खाओ, अगर आप नहीं खाओगे तो फिर आप नहीं, फिर उसको आप जा अफ्रीका चले जाओगे कोई आपको खाए। दरिंदा कोई दरिंदा खाए क्योंकि आई नो शेयर उस दवाई का एक ड्रॉबैक। अच्छा लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पांच आप, लेकिन आप जब गए सुबह तीन बजे जाते आते चार बज गए तो आप कह रहे हैं कि वो तो पौक का वक्त हो चला है तो आपको खतरा नहीं था? अरे जाऊंगा तो नहीं, मेरा तो ये था कि जल्दी आओ क्योंकि पौ फटने और जो पो फट रहे हैं मैं वापस आऊंगा उसकी बैटरी ना। तो कुछ खोलेंगी मैं, मैंने कहा भाई भाई पो फटे या पनीर फटे पो फट जाए मैंने वापस आना, वापस आ मैं वापस आया हूँ। तो और इन्होंने मुझे गुंजान आबाद इलाके, सुनसान गुंजान तो नहीं सुनसान एक जगह, उन्होंने वो कह रहे चीवा वर ऑफ बस तुम फौत हो जाओ ऐसे मुझे, उन्होंने सबसे पहले तो फायर किए हैं, उन्होंने मुझे मारा है, आपके मुंह के फायर किए होंगे। और मैं तो सुनता रहा, मेरे तो जहन में ड्रामा चल रहा था। अच्छा सुन ली, उन्होंने मुझे फेंका आगे पीछे, बंदा ना बंदे की जात। मैंने कहा तुम लोग जो विलन हो ना ठीक विलन नहीं हो, खेलने लगे क्यों? मैंने कहा यहाँ विलाने में उतारे हैं और मुझे फेंक रहे हो, कम अज कम मेरे कपड़े तो उतारो, आइडिया दिया मैंने। फिर उन्होंने मेरा एटीएम निकाला है और उसके अंदर कुछ पैसे थे, वो उन्होंने मेरे एटीएम में तुने हैं वापस। ये पहले छोड़ जो वापस पैसे डाल के गए, पैसे डाल के गए, उन्होंने कहा थोड़ा सा हिलो, ऐसा कुछ किया है कि उन्होंने कैसे भी दिए सर? उन्होंने पहले तो करोड़ रुपए मांगे, मैंने कहा मेरे पास तो तुम ये है बस और कुछ भी, मेरे पास तो तुम हो ये है जो है जो है ये सारे राइट, मेरे पास करोड़ रुपए नहीं। कह रहे डायलॉग सुना, कह रहे किसी दोस्त से मंगाओ। मैंने अपने दोस्त को कॉल की, मैंने कहा वो 10 लाख रुपए चाहिए, दोस्त था मेरा और ये, उसने कहा मुझे पता है कौन मंगा रहा है। अच्छा वो ऑलरेडी दे चुका, उसने कहा मैंने भी अगर दे दिए तुझे तो मैं भी दे चुका हूँ 20 लाख रुपए करेंगे। 10 लाख तो नहीं है मेरे, कैसे 10 लाख? बड़ा एंकर हो गया है, दोस्त है भाई अपने दोस्त, मुश्किल वक्त हुए हमने भी उसको पैसे ट्रांसफर किए। शिमली से? शिमली इबली के वो इस्लामाबाद में था। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था उन्होंने उतारा का। अच्छा जब उन्होंने उतारा मैंने कहा आप लोग जा तो रहे पैसे, उन्होंने कहा पैसे तुम क्योंकि मुझे फेंक दिया था उन्होंने, छोड़ गए तुझसे पैसे, उन्होंने कहा थोड़ा सा इन्हों के पैसे बाहर आ जाए, पैसे जमा थे
से उन्होंने तो ठीक है ठीक है। अरे मतलब ये कोई वो गैंग तो नहीं जिनको आप ड्रामों में नहीं लेते और गालियां देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे काबिल नहीं है, मेरे स्क्रिप्ट के काबिल नहीं। मुझे अफसोस ये है कि उस दो टके की औरत को मैं ये भी नहीं कह सका ओह यू शट अप, उससे पहले इसने मुझ पे वार कर दिया। हाँ और कितने लोग थे, क्या था नाम, क्या था उसका, उरुज। हाँ अरे उनका देखिए उरुज जो है, हाँ मैं कहूंगा हर उरुज को जवाल है। ठीक है, खलील से पंगा लेके तूने अच्छा नहीं किया। मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल फेमिनिस्ट अंडरवर्ल्ड माफिया है ये आपके खिलाफ। मुझे थोड़ा थोड़ा शक है कि इस माफिया को और पाकिस्तान में जो इस माफिया की हेड डॉन है मौलवी सरमद है, बेचारी को मिला सवाल तो है ही राइट। हर उरूज को जवाल है, ठीक है, और जिस उरूज ने मर्द को नीचा दिखाने की कोशिश की है और उसकी किस्मत में जवालों की तारीख लिख दी गई है। ठीक है, तो आप जब घर आए हैं और ये सारा वाकया हुआ है, वैसे तो कुछ कहते हैं कुछ दिन बाद आपने तो कटवाई नहीं FIR, वो भी एक सवाल आया, लेकिन आपके घर वाले इज्जत कर रहे हैं वैसे ही, मतलब वो वाली जो इज्जत तो भी ज़्यादा करता है थोड़ा वाकया तो इतना नहीं, लेकिन ये कि सेट हो जाएगा, इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। तो मैं घर में भी मार पड़ी है नहीं, ये मैं आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इट ऑन द मीडिया। ओके, मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, और सुने आप FIR नहीं करना चाहते कि मीडिया में बात हो जाएगी, बट ऑलरेडी मीडिया में चली गई बात। दो तीन चीजें जो है इंसान को देखनी चाहिए, एक FIR कटवाते हुए, एक नाक कटवाते हुए और एक तीसरा तो खैर आपसे पूछते ही नहीं। तो ठीक है, अच्छा सर मैं अब आखिर में सवाल जी, आप क्या समझते हैं कि पुलिस ने आपका सही साथ दिया? बेहतरीन साथ दिया उन्होंने, जब मुझसे स्टोरी सुनी है जैसे भी आप सुन रहे हो, पहले तो 6 दिन तक मुझसे रोजाना स्टोरी सुनते रहे बार बार, उनको इतना मजा आना शुरू हो गया, कह रहे सर ये हुआ तो ये क्यों था, वो हुआ तो ये क्यों था, हालात में सस्पेंड कैसी थी और ये वो। ठीक है, पहले तो ये करते ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा वाहिद केस है जिसमें पुलिस ने मेरी बहुत सपोर्ट की। ठीक है, मैं लालच भेजता हूँ नून लीग पे, ठीक है, क्योंकि मैं लालच भेजूंगा तो मेरे क्लोज आएंगे, इनका ये उसूल है। ठीक, लेगियों का वो आप बंदा आई डोंट नो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, अरे लेगियों का ये उसूल है और इतना आपको वो देने की पता नहीं क्या जरूरत है, आपने कौन सा कोई फतह की थी कोई जगह, आपने जाके बहुत बुरा काम किया था उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, ये वैसे बाकी नून लीग कोई सलाम उनको जितना आप जलील करोगे आइडिया होगा। एनीवेज तो आपको लगता है कि जो लोग आपको मजाक उड़ा रहे हैं और ये सब मीम्स एंड सब चल रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए आपके साथ जो हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ किस्म के हमारे लोग तो किसी के साथ, अल्लाह माफ करे इन्होंने मेरा इतना मजाक उड़ा के इतनी मीम्स, आप यकीन करें इस दुख के अंदर मैं हंसा हूँ, ये दो दो टके की औरतें जो है ये मेरे खिलाफ मीम मला रही है। मैं आप आयो शट अप, दो टके की औरतें ठीक, और क्या समझती हो तुम लोग, फिर खलील झुका नहीं अभी। हाँ वो तो उन्होंने सुना झुका दैट्स अनदर डिटेल्स, थैंक यू सो मच खलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू। मैं आपको कहूंगा मैं एक नया प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं हो जाएगा, आप थोड़े दिन लगाए, मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, एक फिल्म नहीं नहीं करना, आपकी कोई कजन में अगर है तो अगर करना चाहे, ये हमने एक्सक्लूसिवली किया है, होपफुली नहीं मेरा पहला प्रोजेक्ट जो सीसीटीवी फोटो कैमरा पे शूट हुआ है, पहला 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 बिल्कुल ऐसे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, फनी साहब हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इस सिर्फ आपको एलियन बॉर्ड, ओह माय, और वो भी हमारे पॉडकास्ट पे, लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।